दादरी से मैं आपका फाइन आर्ट्स टीचर सतवीर बोल रहा हूँ। आज हम बैलून्स बना रहे हैं एक छोटी सी कॉम्पोजिशन थंब इम्प्रेशन की हेल्प से। आप बचपन से थंब इम्प्रेशंस करते आए हैं, मैंने उसके लिए कुछ पोस्टर कलर ले लिए हैं अपनी कलर प्लेट के अंदर और ये मैंने थंब भी ले लिया भाई। अब हम थंब इम्प्रेशन की हेल्प से बैलून्स बनाएंगे। बहुत सिंपल है, आप इजीली बना पाएंगे और इंटरेस्टिंग भी है। इसके लिए हमने सबसे पहले जो हमने कलर लिए हैं उसमें हम लाइट कलर लेंगे और हम बैलून्स बनाना स्टार्ट करेंगे। ये हमने बैलून्स बनाना स्टार्ट कर दिया है। इसको कैसे भी आप उल्टा सीधा लगा सकते हैं और बैलून्स बना सकते हैं। कलर को थोड़ा सा डार्क रखना, थिक रखना, थोड़ा सा बेटर बनेंगे ये हमारे बहुत सारे बैलून्स बनते जा रहे हैं। अब हम हैंड को वॉश कर लेंगे अपने थंब को, और ये आप बचपन से बनाते हुए आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद जैसे हम ले रहे हैं अब रेड कलर, ये हमने रेड ले लिया है। अब हम रेड बैलून्स बनाएंगे और बहुत सारे बनाएंगे। अगर आपको बीच में छोटे बैलून बनाने हैं तो आप फिंगर का भी यूज कर सकते हैं, आपस में ओवरलैप हो जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमने बना लिए। अब हम चाहें कुछ छोटे बैलून्स बनाने हैं तो हम फिंगर भी ले सकते हैं ऐसे। ये हमने जैसे कलर मिक्स किया ऐसे, तो ये आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ईजी है। उसके बाद टू कलर्स तो अच्छे नहीं लग रहे हैं, अब हम फोर कलर लेंगे जितने हम ले सकते हैं। ये हमने फोर कलर ले लिए हैं। बहुत सारे बैलून्स बनाने हैं क्योंकि हमने नीचे कार बनाई हुई है। अब कार को उड़ाने के लिए तो हमें बहुत सारे बैलून चाहिएंगे, तो हम बहुत सारे बैलून्स बना रहे हैं। बहुत इजी है और आप बचपन से करते हुए आ रहे हैं, हम इम्प्रेशन से डिफरेंट चीजें बनाते हुए आ रहे हैं, तो आप बना पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे कुछ बैलून्स बन गए हैं। अब जी हमें एक कलर और लिया हुआ है, ब्लू कलर, तो हम इसको भी यूज कर लेते हैं। इसको क्यों छोड़ा भाई, ये हमने ब्लू कलर भी ले लिया है। और ये देखिए आपका 2 मिनट में पेंटिंग तैयार हो जाएगी। एक दूसरे को ओवरलैप कर सकते हैं आप। ये ग्रुप ऑफ बैलून्स बन गया है जी, बहुत बड़ा, बहुत सारे बैलून्स हैं इसमें। ड्राइंग बिल्कुल इजी है, ड्राइंग तो है ही नहीं इसमें, सिर्फ हमें ये बैलून्स ही बनाने हैं भाई। ये हमारे बन गए हैं बहुत सारे बैलून। अब हम बहुत छोटी वीडियो बनेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। मैं अब हमें लेना है ब्लैक कलर। अब हम हमारी कार को ब्लैक कलर से बनाएंगे। जो कार की ड्राइंग शायद आपको दिख रही होगी, नहीं दिख रही है, अब दिख जाएगी। उसके लिए हम ब्रश लेंगे और ब्लैक कलर लेंगे। ये हमने पोस्टर कलर लिए हैं। अगर आपके पास पोस्टर कलर नहीं है तो वाटर कलर यूज कीजिए, वाटर कलर भी नहीं है एक्रेलिक कीजिए, एक्रेलिक नहीं है फैब्रिक कीजिए, फैब्रिक नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्केच पेन से बना दो, आप पेस्टल कलर से बना दो। अब हम एक कार बनाएंगे भाई। ये हमारे बैलून्स कार को लेके भाग रहे हैं। ये हमने ये कार का मिरर बना दिया है और कार पंचर होगी तो स्टेपनी भी चाहिए, ये हमने कार की स्टेपनी बना दी है। ये हमारी कार है जी, बोल्ड कार बनाई है हमने बिल्कुल। आपको और
कुछ बनाना है तो और कुछ बना सकते हो। सर को तो कोई एक चीज बनानी है तो एक चीज बना दी है, अब आपको कार पसंद नहीं है और कुछ पसंद है तो और बना दीजिए, बाइक बना दीजिए, आप अपने आप को बना सकते हैं। यहाँ पे अपनी फोटो बना दीजिए, आपको आगे ले जा रही है बैलून्स, कोई बात नहीं। आप ये देखिए, ये हमारी बहुत इजी कार बन गई है, ये देखो जी, ये हमारी इजी सी एक कार बन गई है। प्रॉपर डार्क कलर करना और अब कार को हमें बैलून से बांधना है, भी तो उड़ेगी। उड़ाने के लिए हमें ये ब्लैक कलर लिया और अब हमने ब्रश को, छोटी ब्रश को ले लिया है। सबसे पहले हम सूखने देंगे बैलून्स को, अब ये सूखे नहीं है, बहुत गीले लग रहे हैं मेरे को, तो आप सूखने के बाद इनको सबसे पहले तो बांधना है, बैलून्स को रस्सी से बांधना है। जब तक ये रस्सी से नहीं बांधोगे, सारे बैलून्स को एक बार बांध दो वरना हवा निकल जाएगी। ये हमने सारे बैलून्स के नीचे बांध दिया है थ्रेड से नीचे की साइड, जब बैलून पे वेट होता है तो वो नीचे की साइड ही बनता है। ऐसे आप सारे बैलून्स को अच्छे से बांध देंगे। धीरे धीरे, और इसको सूखने देना है, हमारा सूखा नहीं है अभी, पर हम अपने फिंगर्स को बचा के काम कर रहे हैं तो तब तक शायद सूख भी जाएगा। ये धीरे धीरे हमने सारे बैलून्स को पहले तो बांध दिया है वरना इनकी हवा निकल जाएगी। ये देखिए जी, ये हमारे, हमने अप्रोक्सीमेटली शायद सारे बैलून्स को कहीं ना कहीं से बांध दिया है, तो रह गया तो चेक कर लेते हैं। अब हमें अपने बैलून्स के साथ कार को बांधना है, तभी तो ये कार को उड़ा पाएंगे। बहुत इजी है, लो जी हमने पहले ही बैलून को नहीं बांधा। चलो जी, अब हम एक डायरेक्शन लेंगे, इस डायरेक्शन में हमारी सारी लाइनें जाएंगी, हमारे सारे बैलून्स को टच करेंगे, एक एक बैलून ऊपर से शुरू कर दो। ये हमारे बैलून का थ्रेड, ये आ गया इसका, ये आ गया, सब का ध्यान रखना है। कोई बैलून अगर खुल गया ना तो गड़बड़ हो जाएगी, ये इसके साथ बंद गया, ये इसके साथ बंद गया, ये इसके साथ, ये वाला इसके साथ, एक एक बैलून का ध्यान रखेंगे भाई। ये बन गया, ये इस बैलून को हमने बांधा नहीं था तो ये बांध दिया, ये बन गया। अब हमारा ये वाला बैलून, ये एक एक की डायरेक्शन ध्यान रखनी है ऐसे। ये आ गए हैं, हमने नीचे वाले बैलून से स्टार्ट किया और ऊपर तक जा रहे हैं। अब कौन सा बैलून है जो अकेला रह गया, तो वो उड़ जाएगा अगर अकेला रह गया, तो ये वाला बैलून है, ये वाला बैलून है। अब हम आगे वाले बैलून्स तो हमारे हो गए हैं, अब पीछे वाले बैलून का थ्रेड बैलून के अंदर से नहीं आएगा, अब उनको बैलून को पीछे से भेजना पड़ेगा। आप इसको इसके पीछे भेज दो, इसको इसके पीछे, इसको यहाँ तक ले आओ, इसको यहाँ तक ले आओ, इसको यहाँ तक, ऐसे ही हमने सारे बैलून्स को आपस में एक दूसरे से टच कर देना ऐसे। तो थ्रेड, ये इसका थ्रेड यहाँ आ रहा है, ये आ गया, इसका थ्रेड रह गया, ये आ गया, और ये हमारे सारे बैलून्स आपस में बन जाएंगे। बहुत सारे हमारे बैलून हमारी कार को लेके उड़ रहे हैं, ये हमारी कार के साथ थ्रेड ही थ्रेड है बहुत सारे। आप ये अच्छे से यहाँ पे बांध दो, ब्लैक कर दो,
अच्छे से बन जाएंगे। अब हमारी फ्लाइंग कार बन गई है। ये बैलून की हेल्प से उड़ रही है, बहुत ही सिंपल सी है और आप लोग बहुत इजीली बना पाएंगे क्योंकि आप बचपन से इनको बनाते आ रहे हैं। ओके बेटा, अभी आप लोग स्टार्ट कीजिए। कलर्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, आप कलर कोई भी ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल है। मेरे पास जो अवेलेबल थे मैंने बना दिया, आपके पास जो अवेलेबल होंगे आप बना देंगे। ओके, अब हमारा कंप्लीट हो गया है, अभी आप लोग स्टार्ट कीजिए और थैंक यू, बहुत सुंदर बनाइएगा। थैंक यू वेरी मच।